आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव उसी तरीके से होंगे जैसे पार्लियामेंट चुनाव की अनाउंसमेंट की गई है। संकेत ये दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर जम्मू कश्मीर में सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव करवाए जाएंगे और असेंबली के चुनाव को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, जो सरासर गलत होगा। अगर पार्लियामेंट के चुनाव के लिए माहौल साजगार है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या बात है कि आप असेंबली के चुनाव को डिले करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बगैर किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में आए हुए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आए हुए एक फैसला लेना होगा कि अगर चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में करवाने हैं तो दोनों चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऑफिसर जो है वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने में लगे हुए हैं। अफसरशाही का राजनीतिकरण जो है न केवल सिविल सर्विस रेगुलेशन का उल्लंघन है बल्कि इलेक्शन लॉस की बहुत बड़ी वायोलेशन है। ऐसे ऑफिसर्स जो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और देखने में आया है कि रामनगर में एक DSP है जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर चल रहे हैं, उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई की हम मांग करते हैं बल्कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। और बहुत सारे BDOs जो हैं वो लोगों को ये कह रहे हैं कि उनकी नरेगा की पेमेंट्स तभी रिलीज होंगी अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। ऐसे बहुत सारे BDOs की शिकायत की गई है, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में जुटे हुए हैं, उनके खिलाफ शिकायतों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना यह संकेत देता है कि ऊपर की सतह पे भी प्रशासन जो है वो पूरी मिलीभगत के साथ इन अफसरों को शह देने की कोशिश कर रहा है। हमारी ये गुहार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आज के प्रदर्शन के माध्यम से कि ऐसे अफसरों के खिलाफ जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं, जो बड़े बड़े दावे आपके हैं, उनको अमलीयामा पहनाया जा सके और निष्पक्ष चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो सके।